हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग गूगल फोटोज़ क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं यह जानेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, गूगल फोटोज़ गूगल का एक ऑफिशियल ऐप है जिसमें आप अपने फोटोज़ वीडियोज़ को स्टोर करके इसमें सुरक्षित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें आप जो भी फोटोज़ वीडियोज़ अपलोड करते हैं स्टोर करते हैं वो गूगल के सर्वर पर अपलोड हो जाते हैं जो आपके ईमेल आईडी से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपकी फोटोज़ वीडियोज़ आपके डिवाइस से डिलीट भी हो जाते हैं तो आप उसे कहीं भी किसी समय किसी भी डिवाइस में अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो इसे यूज़ करने के लिए सिंपली आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर्स है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के हैं तो आप उस प्लेटफॉर्म के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने फ़ोन में फोटोज़ गूगल फोटोज़ वाले से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं सीधे इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको जिस अकाउंट में आपको फ़ोटोज़ अपलोड करना है उसे सिलेक्ट कर लें। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ से डू नॉट बैकअप कर सकते हैं, टर्न ऑफ बैकअप कर सकते हैं। मतलब टर्न ऑफ बैकअप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोटोज़ बैकअप होने लगेंगे। तो चलिए मैं डू नॉट बैकअप कर देता हूँ। उसके बाद से गेटिंग योर फोटोज़, यानी इस ईमेल पर आपके जितने भी फोटोज़ और वीडियोज़ होंगे वो आप यहाँ क्या रिफ्रेश हो रहा है तो आ जाएंगे। गेटिंग योर फोटोज मीन्स रिफ्रेश होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाता है। तो यहाँ इस ईमेल आईडी पर आप जितने फोटो वीडियोज़ अपलोड किए होंगे वो सब आपको दिख जाएंगे। उसके बाद से आपको यहाँ बहुत सारे टैब्स दिख जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे टैब दिख जाते हैं, चलिए मैं आपको सभी टैब्स के बारे में बारी बारी से बता देता हूँ। तो जैसे ही आप इस लोगो के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एरो डाउन पर क्लिक करके आप अपने ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको बैकअप इज ऑफ का ऑप्शन दिख जाता है। तो अगर आप इसे ऑन कर देते हैं, कीप योर फोटोज़ सेव बाई बैकिंग देम ऑफ टू योर गूगल अकाउंट, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपके डिवाइस में जो भी फोटोज़ एंड वीडियोज़ है वो ऑटो गूगल फोटोज़ में स्टोर होने लगते हैं। तो आप इसे ऑफ ही रहने दें और मैन्युअली अपलोड करें। ओके, उसके बाद यहाँ फ्री ऑफ स्पेस, अगर आप बैकअप ऑन कर देते हैं तो यहाँ आपको नोथिंग फ्री ऑफ स्पेस का ऑप्शन दिख जाता है। तो आप डाउन करके उसे फ्री ऑफ स्पेस कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ फोटो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाता है। तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ से बैकअप एंड सिंक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन को अपने हिसाब से यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या दिखना चाहते हैं क्या नहीं दिखना चाहते। ओके, उसके बाद आपको ग्रुप सिमिलर फेसेस में मैनेज परफॉर्मेंस फॉर फेस ग्रुपिंग, तो यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ मेमोरीज ऑन कर सकते हैं, वही आप अपने मेमोरीज में क्या दिखना चाहते हैं क्या नहीं दिखना चाहते वो ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ एसटी कार्ड एक्सेस, आप अपने एसटी कार्ड में जितने भी फोटोज एंड वीडियोज़ है उसका एक्सेस गूगल फोटोज़ को दे सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पार्टनर शेयरिंग का ऑप्शन दिख जाता है। इस वाले फीचर से आप अपने इस गूगल अकाउंट इस ईमेल आईडी पर जितनी फोटोज या वीडियोज़ अपलोड किए होंगे उसका एक्सेस किसी दूसरे पर्सन को ईमेल आईडी एड करके दे सकते हैं। तो जैसे आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आप जिस ईमेल आईडी को अपने गूगल फोटोज़ का एक्सेस देना चाहते हैं उसका यहाँ ईमेल आईडी एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, उसके बाद से आपको यहाँ आप उसको एक्सेस ऑल फोटोज़ को देना चाहते हैं या एक स्पेसिफिक ग्रुप का देना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे में कोई स्पेसिफिक फेसेस नहीं है, तो मैं जैसे ही स्पेसिफिक फेसेस क्रिएट कर लेता तो यहाँ ऑप्शन आ जाए। तो चलिए मैं ऑल फोटोज़ का एक्सेस दे देता हूँ। उसके बाद से ये कह रहा है अदर ओल्डर फोटोज में आप कितने डेट्स तक के फोटोज़ को उसे एक्सेस देना चाहते हैं। तो सपोर्ट डेट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 15 जनवरी। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो जितने भी आप यहाँ सेटिंग किए होंगे उसका एक्सेस वो जिस ईमेल आईडी को आप ऐड किए हैं उसको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ हाइड वीडियो फ्रॉम मोशन फोटोज, यहाँ से वीडियो को हाइड कर सकते हैं अपने गूगल फोटोज़ के होम पेज से। उसके बाद हाइड फोटो लोकेशन डाटा, अपने फोटोज या लोकेशन में जो भी लोकेशन डाटा होता है डिटेल्स पर क्लिक करने के उसे हाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्किप सजेशन को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ गूगल लोकेशन सेटिंग्स को पर क्लिक करके आप यहाँ लोकेशन एक्सेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ गूगल लेंस का ऑप्शन दिख जाता है, इसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट गूगल फोटोज, यानी गूगल फोटोज के बारे में जान सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जैसे यहाँ बैक करेंगे तो एक गूगल फोटो सेटिंग्स हो गया। उसके बाद हेल्प एंड फीडबैक, यहाँ से हेल्प एंड फीडबैक ले सकते हैं। उसके बाद से जैसे ही बैक करेंगे तो आपको यहाँ इस पर क्लिक करके आप एड पार्टनर अकाउंट जो हम लोग पहले जान चुके हैं, उसके बाद आपको यहाँ फोटोज़ में होम पेज पर आप जो भी फोटोज वीडियो अपलोड किए होंगे उस सब आपको दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ सर्च पर क्लिक करके आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और यहाँ से कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लाइब्रेरी में जाएंगे तो लाइब्रेरी में आपको यहाँ फेवरेट अनटाइटल्स लेबल्स कैटेगरी दिख जाते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ आर्चिव का ऑप्शन दिख जाता है, तो आर्चिव में आप जितने भी फोटो आर्चिव किए होंगे वो सब आपको दिख जाएंगे। तो इस थ्री डॉट्स पर क्लिक करके इसे ऑन आर्चिव कर सकते हैं। ओके,
इसे ऑन आर्चिव कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, या शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ बीन में आप जितने भी फ़ोटो डिलीट किए होंगे वो सब आपको दिख जाएंगे। तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं या रीस्टोर कर सकते हैं। ये कह रहा है आइटम्स विल बी परमानेंटली डिलीटेड फॉर आफ्टर 16 डेज इन द बिन, मतलब अगर आप इसे डिलीट भी नहीं करते हो तो 16 डेज के अंदर अपने आप डिलीट हो जाएंगे परमानेंटली, ओके, हमेशा के लिए। उसके बाद आपको यहाँ लाइब्रेरी में, आपको जैसे यहाँ नीचे करेंगे तो यहाँ से एल्बम क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपके डिवाइस में जितने भी फोटोज या वीडियोज़ होंगे वो सब आपको यहाँ दिख जाते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें फोटोज़ कैसे अपलोड करना है। तो फोटोज़ अपलोड करने के लिए आपको यहाँ लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपके डिवाइस में गैलरी में जितने भी फोटोज वीडियोज़ होंगे वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो चलिए मैं सपोर्ट डेट इस वाले एल्बम पिक्सार्ट में ही कोई फोटोज अपलोड कर देता हूँ। तो सपोर्ट डेट ये वाला मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बैकअप नाउ का ऑप्शन दिख जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक करके इस फोटोज़ को गूगल फोटोज में अपलोड कर सकते हैं, ओके। और यहाँ से मूव टू फोल्डर यानी किसी दूसरे फोल्डर में अपलोड कर सकते हैं, यहाँ कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से एड टू एल्बम, यहाँ से एल्बम में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ इसे अगर अपलोड हो जाता है तो इसे इस डिवाइस से डिलीट कर सकते हैं, यूज एज कर सकते हैं, स्लाइड स्लो कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे ही अपलोड हो जाता है तो आपको यहाँ फोटोज़ में ये वाला फ़ोटोज़, जैसे ही मैं कोई फोटोज़ उस तरह से अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही कोई फोटोज़ अपलोड हो जाता है तो आपको यहाँ स्टार का ऑप्शन दिख जाता है। अगर कोई फ़ोटोज़ अपलोड नहीं हुआ होता है तो आपको यहाँ इस तरह का कुछ इस तरह का ऑप्शन दिख जाता है अपलोड करने का, ओके। तो जैसे ही आप कोई फ़ोटोज़ अपलोड हो जाता है तो आपको यहाँ से शेयर कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके गूगल लेंस ओपन हो गया, ओके। तो इस थ्री डॉट्स पर क्लिक करके आप इस फोटो को एड टू एल्बम कर सकते हैं, मूव टू आर्चिव कर सकते हैं यानी आर्चिव में सिर्फ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यूज एज स्लाइड शो प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से डिस्क्रिप्शन एड कर सकते हैं, ओके। उसके बाद से जैसे आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, ओके, यहाँ से किसी पर्सन को शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से लिंक क्रिएट कर सकते हैं, लिंक के थ्रू उस किसी को शेयर कर सकते हैं। अगर उस लिंक पर क्लिक करके तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकता है, ओके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसमें फोटोज वीडियो एड कर सकते हैं और बस यही सेटिंग्स है इसमें। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।